अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बना रही हूँ चिकन मंचूरियन, जिसके लिए चिकन ली हूँ मैं। बोनलेस चिकन है ये, 250 ग्राम है। इसे मैं बारीक पीसेस में कट कर ली हूँ। कॉर्नफ्लोर लेंगे 2 टीस्पून, मैदा लेंगे 1.5 टीस्पून, नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से, काली मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, एक अदद अंडा लेंगे। हम थोड़े से वेजिटेबल्स लेंगे, इसमें प्याज है, इसे मैं ऐसे चौड़ी काट ली हूँ, कैप्सिकम है, कैरेट है, स्प्रिंग अनियन, हरी मिर्ची है 2 अदद, इसे बारीक चॉप कर लिए, लहसुन है, लहसुन के 4 कलियाँ, इसे भी बारीक चॉप कर ली हूँ, शक्कर है 1 टीस्पून, नमक थोड़ा टेस्ट के हिसाब से लेंगे, टमाटो सॉस है एक छोटी, ये भर 3 टेबल स्पून उतना है, रेड चिल्ली सॉस लेंगे 2 टीस्पून, सोया सॉस लेंगे, ये डार्क सोया सॉस है इसलिए मैं इसमें 1 टीस्पून लूँगी, विनेगर है 1.5 टीस्पून, और तलने के लिए तेल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चिकन में शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टीस्पून, मैदा लेंगे 1.5 टीस्पून, काली मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, नमक लेंगे, इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। अंडा ले डालेंगे, अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढाप कर रख देंगे। कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। चिकन हमने तल लिया है और वही तेल, वही कढ़ाई में हम तेल निकाल के थोड़ा 1-2 टीस्पून उतना तेल रखेंगे। लहसुन डालेंगे, थोड़ा सा इसे हम फ्राई करेंगे। हरी मिर्ची डालेंगे, इसे भी फ्राई करेंगे। और ये जो तरकारी है हम काट के रखे थे, वो पूरे डाल देंगे इसमें। ये हमें अच्छा फ्राई, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, कच्चे पक्के है ना, बस थोड़ा सा एक मिनट के लिए सा थोड़ा सा हम तलेंगे। सोया सॉस डालेंगे, रेड चिल्ली सॉस डालेंगे, विनेगर डालेंगे, टमाटो केचप डालेंगे, शक्कर डालेंगे, अब हम इसे मिलाएंगे, नमक बाद में टेस्ट करके डालेंगे। इसे आधी गिलास पानी डालेंगे। अब नमक टेस्ट करके, क्योंकि तो सॉसेस में भी नमक रहते हैं ना, इसलिए हम आखिरी में बाद में डालेंगे, थोड़ा डाली फिर बाद में टेस्ट करके डालेंगे। इसे पकने देंगे। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में हम पानी डाल के इसका घोल तैयार करेंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, इसे एक तरफ से मिलाते जाएंगे, एक तरफ से कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाएंगे। हमें जितना भी गाढ़ा रखना है वो हिसाब से हम रख सकते हैं। उसके बाद अगर जितना भी हमें थिकनेस चाहिए उसके बाद फिर रोक देंगे कॉर्नफ्लोर मिलाना, बस हमें इतना ही चाहिए। हम इसे चिकन शामिल करेंगे, थोड़े से स्प्रिंग अनियन डालेंगे, इसे मिला के 1-2 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे रख के इसे रिशॉट कर लेंगे। ये देखिए चिकन मंचूरियन बनके तैयार है, बहुत जल्दी बनता, मज़े में भी बहुत अच्छा रहता। आप इसे फ्राइड राइस के साथ ले सकते हैं।
मैं देखिए साथ में फ्राइड राइस भी बनाई हूँ। मेरी फ्राइड राइस की रेसिपी है चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। अल्लाह हाफिज़।